हेलो एवरीवन, आज का ब्लॉग होने वाला है क्रिसमस स्पेशल। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वॉइस को इग्नोर करें क्योंकि मुझे कोल्ड एंड कफ है। सो मैं स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। एंड जिन्होंने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आते रहे। सो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, विश यू ऑल मेरी क्रिसमस। सो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो इनऑर्बिट मॉल का ब्लॉग है। मैं मीन्स टू डेज बैक ही यहाँ पे विजिट करने के लिए गई। बहुत ही अच्छी व्यू है एंड जो भी क्रिसमस सेलिब्रेशन है वो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। एंड ये हैदराबाद का वन ऑफ द बेस्ट मॉल है। सो मैं आप सबको रिकमेंड भी करूँगी। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की एलबी नगर से। तो मेट्रो से हम लोग अमीरपेट तक गए क्योंकि अमीरपेट में ब्लू लाइन चेंज करनी पड़ती है। और हम लोग जा रहे हैं दुर्गम चिरो से हम लोग जाएंगे इनऑर्बिट मॉल। सो फाइनली वी रीच्ड एट दुर्गम चिरो। ये दुर्गम चिरो की मेट्रो है। यहाँ से हम लोगों ने ओला कैब बुक किया, मीन्स ओला ऑटो बुक किया जस्ट 100 रुपीज़ में। अगर आप ओला बुक नहीं करना चाहते तो नॉर्मल भी ऑटो से जा सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, व्यू बहुत ही अच्छी है दुर्गम चिरो की। एंड ये माइंड स्पेस से होते हुए आप इनऑर्बिट मॉल तक जा सकते हैं। अगर आप हाईटेक सिटी जाते हैं मेट्रो से तो भी आने के लिए सेम वे है एंड सेम प्राइस से ऑटो के लिए भी है। मैं हैदराबाद से बेसिकली तो नहीं हूँ बट मुझे यहाँ की व्यू बहुत ही पसंद आती है क्योंकि यहाँ पे नेचर का अगर देखें तो बहुत ही अच्छा मेंटेन किया गया है नेचर को। एंड एवरीवेयर आपको ट्री देखने के लिए मिल जाएंगे। ये व्यू भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इससे पहले मैंने बहुत बार ट्राई किया ये व्यू देखने के लिए बट मैं नहीं आ पाई क्योंकि मेरी ऑफिस रहती है, छुट्टियाँ कम मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर ऑन द वे ऑफ इनऑर्बिट मॉल। सो ये है इनऑर्बिट मॉल का मेन एंट्रेंस। यहाँ पे इतनी अच्छे से डेकोरेशन की गई है तो अंदर कैसी होगी, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी। सो दिस इज द ग्लिम्स ऑफ डेकोरेशन। आप देख सकते हैं डेकोरेशन कितनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी लग रही। सो लेट्स गो इनसाइड। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी ब्रांड की ड्रेसेस मिल जाएंगी, फुटवेयर्स, बॉडी केयर, हेयर केयर, बहुत सारे थिंग्स है। लेदर्स के भी मैंने बहुत सारे शॉप्स देखे यहाँ पर। इवन स्पा, पार्लर, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट एंड मल्टीप्लेक्स, पूरे थिंग्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो मैं आप सबको एक बार रिकमेंड जरूर करूँगी अगर आप हैदराबाद आते हैं या फिर हैदराबाद में हैं और अभी तक नहीं गए इनऑर्बिट मॉल में, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट करें। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड ये मैं 3rd और 4th टाइम वहाँ विजिट की। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके का फोटोजेनिक थिंग्स है, मीन्स पूरा मॉल फोटोजेनिक है बट ये मुझे कुछ यूनिक लगा तो मैं यहाँ पे बैठ के फोटो क्लिक की। मैंने बहुत सारे पिक्चर्स निकाले फ्रेंड्स। सो यहाँ पर लगाया गया है क्रिसमस का ट्री, बहुत ही अच्छी ग्लिम्स है। एंड जो डेकोरेशन है मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। इवन इस बार आपको इनसाइड भी एंट्री भी दिया जा रहा है, जस्ट एक QR स्कैन करना है आपको एंड वो भी QR फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी उसके लिए चार्जेस नहीं है। अब आई डोंट नो वो लोग इससे कुछ अर्न कर रहे हैं या नहीं क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन आया कि जैसे मैंने QR स्कैन किया मुझे एक नोटिफिकेशन आया दे गॉट सम मनी एंड सम पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी व्यू है एंड कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है। मैं 2-3 जगह विजिट की, 2-3 मॉल में गई बट मुझे सबसे अच्छा यही लगा। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर गोइंग टू इनसाइड, इवन आई एम सो एक्साइटेड। सो ये भैया मुझे गाइड कर रहे हैं कि जाके पहले QR स्कैन करो फिर अंदर आना बहना। सो फाइनली आई केम इनसाइड। इनसाइड आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं बाहरी फोटो लेती हूँ क्योंकि अंदर में बहुत ही रश थी। सो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से डेकोरेशन किया गया है, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है मुझे। एंड इस तरीके के ग्रास लगे हुए हैं फ्रंट में, इस पर लाइट्स भी लगी हुई है एंड नीचे में रेड कलर की पूरी कारपेट है। सो फ्रेंड्स, ये मैं अंदर जा रही हूँ, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं एंड दूसरी साइड से आपको एग्जिट करना होगा। मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए क्योंकि मुझे व्यू बहुत ही पसंद आई। दोनों साइड से इस तरीके के डियर्स लगे हुए हैं जैसे कि सेंटा का डियर्स होता है। यहाँ से होने के बाद कुछ किड के लिए यहाँ पर कुछ गेम्स चल रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ भी इंजॉय किया जाए। यहाँ पे डेकोरेशन देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है, इस तरह की ट्रायंगल शेप में है एंड मिडिल में पूरे कारपेट लगे हुए हैं। सो यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं किड्स के पेरेंट्स एंड किड्स, बहुत सारे रशेज हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं। ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जस्ट मॉम लोग को ये बलून को मीन्स फुला कर बेंड करना था एंड बच्चों को देना था, बच्चों को ये बलून तोड़ने का था।
सो मैंने सोचा क्यों ना एंजॉय किया जाए। मैंने सोचा मेरे तो कीड़ नहीं है, मैं किसी की पेरेंट्स नहीं हूँ, तो क्यों ना मैं थोड़ी सी इंजॉय कर लूँ। सो यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े ग्लास लगे हुए थे, तो मैं अपनी मिरर वीडियो एंड मिरर सेल्फी ले रही थी, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। उसके बाद बहुत लोग मुझे गेजिंग कर रहे थे, तो मुझे शर्म आ रही थी, तो फिर मैं यहाँ से चली गई। सो फ्रेंड्स, अब चलेंगे गेमिंग जोन में, जो कि सेकेंड फ्लोर पर है। ये गेमिंग जोन सेकेंड फ्लोर पर है, आपको एक फिफ्थ फ्लोर पर भी, नॉट फिफ्थ, फोर्थ फ्लोर पर भी गेमिंग जोन मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे टॉयज लगे हुए हैं, मुझे तो देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। ये दोनों किट का मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं पास जाके इन लोगों का वीडियो ली, कितने मजे कर रहे हैं दोनों, जैसे जैसे वाटरों से मिस बर्ड है या फिर ड्रैगन है किसी को भी मारना है। एंजॉय कर रही है हेलो किटी। ये सेकंड फ्लोर का गेमिंग जोन है, देखो करने के बाद हम लोग गए थर्ड फ्लोर को, जहाँ पे फूड कोर्ट था। मुझे बहुत ही जोर से भूख लग रही थी एंड ट्री का थर्ड फ्लोर से व्यू कुछ इस तरीके का आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो फिर मैं जा रही हूँ फूड कोर्ट में, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। सो यहाँ पर मैं आती हूँ बर्गर किंग, जो मैंने बहुत दिन से बर्गर नहीं खाया है। सो मैं यहाँ से अपने लिए टिकट लिया, मैंने पहले पे किया एंड मैं अपनी वेट कर रही हूँ अपनी टोकन के लिए। सो नाउ आई गॉट माई चांस एंड आई गॉट माई मिल। सो ये है हमारा मिल। आफ्टर मिल वी वेंट लास्ट फ्लोर, जो कि हाफ ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंडर है एंड हाफ ऑफ कंस्ट्रक्टेड है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका भी एरिया बहुत ही बड़ा है एंड यहाँ पे गंगा स्पा है। इसके बाद आपको सलून मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट एंड बार भी है यहाँ पर, इवन PVR भी इसी फ्लोर पर है। सो लास्ट फ्लोर से ये मॉल कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड फ्रेंड्स, इस पर भी गेमिंग जोन है, तो मैं वहाँ भी जाऊँगी, आप लोग को शो करूँगी। तब तक से मिडिल में आप लोग सॉन्ग का एंजॉय कीजिए, जिंगल बेल जिंगल बेल। तो ये है लास्ट फ्लोर का गेमिंग जोन, ये भी बहुत स्पेशियस है। इसके अंदर में आपको रेस्टोरेंट एंड बार मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है छोटा सा कलरफुल, ये डीजे का स्पेस है, यहाँ पे आप गेम जैसा ही डांस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है ओवरऑल मॉल का व्यू, जिसका नेम है इनऑर्बिट मॉल। सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू गो आउट, क्योंकि अभी हम लोग को दुर्गम चेरू जाना है केवल ब्रिज के लिए। सो ये है पार्किंग एरिया एंड ये इस तरीके से डेकोरेटेड है, ये भी बहुत ही अच्छी लग रही है, आप यहाँ पे फोटो क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ से जस्ट नियर में ही दुर्गम चेरू है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दुर्गम चेरू केवल ब्रिज के लिए। मॉल के जस्ट फ्रंट से एक नैरो रोड गई हुई है, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो आपको केबल ब्रिज आ जाएगा एंड आप ये क्रॉस नहीं कर सकते हो रोड, क्योंकि जो भी विजिटर है, जो भी देखने के लिए गए हैं केबल ब्रिज, उसे इसी नैरो रोड से जाना होगा। सो यहाँ से देख सकते हैं आप केबल ब्रिज दिखने भी लगी, जो भी हमारा तिरंगा का कलर है सेम कलर में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। सो मैं पास से जाके भी आपको वीडियो शो करूँगी, सो यू कैन इन्जॉय।
एंड इफ यू विल गेट अ चांस टू गो वंस विजिट द केबल ब्रिज एंड आई थिंक ये कारीगर हैं जिन्होंने सबको बनाया है। यहाँ पे कुछ इस तरह स्टैचू लगे हुए, मुझे समझ नहीं आया क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। सो फ्रेंड्स, ये देखने के बाद अब हम लोग जाएंगे घर, क्योंकि इसके बाद मेरे पास एनर्जी नहीं बची थी कि मैं आगे का वीडियो करूं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।